हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारे नू। मनीला पंजाबी किचन पर तुहाडा स्वागत है जी। अज मैं तुहाडे नाल रेसिपी शेयर करूँगी जी, पनीर कटलेट बनावांगे। अज आपां जिवें कि कई तरह के बन जाते हैं, आलू कटलेट भी बन जाते हैं, सब्जियां दे बन जाते हैं। अज आपां पनीर दे बनावांगे, पर सब्जियां पावांगे बहुत थोड़ी मात्रा च पावांगे आपां। चलो मैं तुहाडे नाल रेसिपी शेयर करदी हाँ कि आपां किस तरह बनाया। ये हैगा जी 300 ग्राम पनीर आ, ते एक आलू मैं बॉयल कर लिया सी सिर्फ इनू बाइंडिंग देने लई, क्योंकि फिर आपां नूं ज़्यादा कोई इहदे विच मैदा वगैरह नहीं पाउण दी लोड़ हुंदी जदों आपां वी आलू पा के बाइंडिंग वधिया हो जांदी आ। ये हैगे ने मसाले जी, चिली फ्लैक्स, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ते नमक। ये तुसीं अपनी मर्जी नाल जिन्नी क्वांटिटी लैणी आ वध घट कर सकदे हो टेस्ट अकॉर्डिंग। ते थोड़ियां जिहा सब्जियां ने प्याज ते शिमला मिर्च ते गाजर, अदरक ते हरी मिर्च का पेस्ट। सब तो पहले तो ना आप सब्जियां पकावे, थोड़ा जहा सोटे करांगे सब्जियां, ज़्यादा नहीं, सिर्फ यही है भी इन्हों का मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो जो फिर अपने वधिया बनते हैं कटलेट आप बनाने। तो जे आप इन्हों कच्चियां पा दिए, एक कारण तो यह भी ये फिर जो आप फ्राई करते हैं इन्हों ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने, पकदियाँ नहीं है बिच। दूसरा कारण यह कि जो अपना मटीरियल बनाने आप सारा वो लूज़ बनता, फिर अपन कई बार बिच कॉर्न स्टार्च वगैरह या मैदा वगैरह पाना पैंता, लोड़ नहीं पैंती जो अपन सब्जियों थोड़ा जहा पका लें। बस ये कारण आ कि बहुत ही वधिया तरीके कटलेट बन के अपने तैयार हो जाते हैं। बाकी तुसीं होर सब्जियां जिवें पत्त गोभी वगैरह होर पाउणी चाहुंदे हो भी पा सकदे हो। वैसे मैं जी पनीर की मात्रा थोड़ी जी ज़्यादा रखी आ, सब्जियां मैं घट रखी ने क्योंकि आप पनीर कटलेट बना रहे हैं, तां करके मैं सब्जियां घट ही पाई ने। सिर्फ कलरफुल जो मैं सोहना लगता हूँ जो आप मटीरियल बनावे, तो वैसे खाने से भी बहुत ही टेस्टी बने सी। ये हम अपने बन के ठंडे ही हो गए जी सब्जियां। ये मैं पहला आलू नू तोड़ लिया सी, नाले अदरक भी पाता सी, ते हुण आपां पा देंगे मसाले जिहड़े आपां लए आ। तुसीं होर भी जिवें अजमैन वगैरह पाउणे चाहुंदे हो कि वह भी पा सकदे हो। ते धनिया जी, ये चिली फ्लैक्स, चिली फ्लैक्स जरूर पाओ क्योंकि इहदे नाल बहुत टेस्टी बनते आ। इहनूं हुण आपां सारे चंगी तरह मिक्स करके ना भी चंगी तरह मसल लेना, तां कि जिहड़ा पनीर नूं जदों आपां कटलेट बनाईए भी टुटे ना, एक डो की तरह बना लेना आपां। ये हाँ देखो जी, मैं चंगी तरह इहनूं वो कर लिया सी, एक डो की तरह ही बना लिया, जिवें आप आटा गुंदे हुंदे उस तरह बना लिया सी, इन्ना मसलिया सी। ते हुण आपां सारे बना के तैयार कर लेने, कोई भी शेप दे सकदे हो तुसीं, गोल राउंड बनाउणे राउंड शेप, जां तुसीं टिक्की बनाउणी आ जिवें आपां टिक्की वाली शेप भी दे सकदे हो, बाउल वाली भी शेप दे सकदे हो। ये शेप जिहड़े मैं बनाए तुसीं इस च भी बना सकदे हो। थोड़ा जिहा पानी पा के आपां बेसन दे, बेसन 2 चमचे लिया जी मैं, बस इस तरह का घोल आपां तैयार कर लेना। ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, तो ब्रैड क्रम्ब के विच आपां पावांगे उतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बस इस तरह चम्मच ना हल्का जिहा हथ नाल ही आपां सारे बना लेने आ। वो भी मैं तुहानूं दिखाउनी आ कि बहुत वधिया, नाले अपने हाथ बिल्कुल खराब नहीं हुंदे जदों आपां चम्मच ना करते, पर थोड़ी जिही सावधानी नाल वरतना पैंदा आपां नूं, नहीं तो सारे हाथ ही खराब हो जाते। जे कई बार आप हाथ ना चक के ये गिला करके फिर आप ब्रैड क्रम्स में पाने हाथ, तो सारा ब्रैड क्रम्स अपने हाथों लग जाता, तो बड़ा मैसी जहा काम हो जाता। तो चम्मच के नाल बस हल्के जे हाथ ना आप सारे तैयार कर लेंगे। ये अपना तेल जी गर्म हो चुके, तो मीडियम फ्लेम से आप तेल गर्म करना, हाई तो नहीं करना। तो थोड़ा जहा आप बस उत्तों जो एक्सट्रा ब्रैड क्रम्स उन्होंने ला देना, फिर आप तेल च पावे। तो यहाँ थोड़ा जहा मेरा हाई फ्लेम तो ज़्यादा ही हो गया सी तेल, क्योंकि मैं पहला उधर होर काम कर लग गई सी तेल रख के, तो दो जड़े कटलेट पहले से थोड़े जे डार्क कलर के हो गए सी, उदा वो वधिया सी पर कलर इन्हें थोड़ा जहा डार्क हो गया सी, इसलिए तेल का भी खास ख्याल रखना। बस भी मीडियम ती रखना आप, हाई तो नहीं करना, बस बहुत घट टाइम लगता इन फ्राई होने, बहुत छेती बन के तैयार हो जाते हैं।
ये 15-16 ਜਿਵੇਂ ਕਟਲੈਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਮੀ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਰੈਸਪੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਨੇ ਨਰਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।